शख्स, मैं लेके चलता हूं आपको आपके बचपन की तरफ। हम सबका बचपन तीन पिलर्स पे खड़ा था, सुबह उठ के स्कूल जाना, शाम में फिर ट्यूशन क्लास जाना और फिर बिल्डिंग के नीचे दोस्तों के साथ खेलना। हमारे देश में जब भी पढ़ाई और स्पोर्ट्स में रेस होती है तो हमेशा पढ़ाई जीत जाती है। स्कूल में दिए जाते हैं 2 PT पीरियड और उम्मीद की जाती है ढेर सारे ओलंपिक और कॉमनवेल्थ मेडल्स की। कंपटीशन तो छोड़ो, खेल हमें वो लाइफ स्किल सिखाता है जो शायद ही कोई बुक या स्कूल में सिखाया जाता है। तो बच्चों की लाइफ में स्पोर्ट की अहमियत को बढ़ाने हम लेके आए हैं ABC फिटनेस फर्म। नमस्ते शख्स, मेरा नाम है रोशन और मैं हूँ अनिरुद्ध और हम आए हैं पुणे से। ओके, सो ABC फिटनेस फर्म एक ऐसा प्रोग्राम चलाता है जहाँ पे हम बच्चों के रेगुलर प्ले टाइम को ऑर्गेनाइज, सिस्टमैटिक और कॉम्पिटिटिव बनाते हैं। हम बच्चों को अपने पास नहीं बुलाते, हम बच्चों के पास जाते हैं उनके सोसाइटीज में और उनके नजदीकी स्कूलों में। हम 4 साल से 16 साल के बच्चों को 2 पिज्जा की रेट में महीने भर का क्वालिटी स्पोर्ट्स एजुकेशन देते हैं। हमारे पास 85 सर्टिफाइड कोचेस है जो कि स्टेट एंड नेशनल को रिप्रेजेंट कर चुके हैं। हम बच्चों को बास्केटबॉल, बैडमिंटन, टेनिस, जिम्नास्टिक ऐसे स्पोर्ट्स सिखाते हैं। बताते हुए मुझे बहुत गर्व हो रहा है कि हमारे बच्चे आज डिस्ट्रिक्ट लेवल, स्टेट लेवल, नेशनल लेवल और इंटरनेशनल लेवल पे पहुंच गए हैं। बहुत अच्छा। शख्स, क्या आप हमारे कुछ स्टूडेंट से मिलना चाहेंगे? हाँ, मिलाइए, जरूर जरूर। By the way, मेरे बच्चे इनके स्टूडेंट्स हैं। वाओ, और इनके लीग में मैं आ चुकी हूँ। वाओ। Hey kids. Hello. Hi Shaq. Hi Shaq. How are you? Good. So Shaq, we would like to challenge you to a basketball shooting competition. Oh yeah. Jesus. अगर आप जीते तो आपको मिलेंगे ढेर सारे चॉकलेट्स। लेकिन अगर हम जीते तो हमें चाहिए 40 लाख 2% इक्विटी। So Shaq, are you up for the challenge? Yeah, let's do it. आप तीन और आप एक, उनका था जो आप चार, हम चार। ओके, लेट्स गो अमन। कौन पीयूष? ये तो स्टार्ट है। नो प्रॉब्लम, चलिए चलिए। अनिरुद्ध, लेट्स गो मैन। अनिरुद्ध, ओ टेढ़ा हो गया। और विनीता और अमन ने अपनी टीम को जिताते हुए बहुत बढ़िया। वेल प्लेड, वेल प्लेड, वेल प्लेड, वेल प्लेड। लेकिन इक्विटी लेके जाएंगे दोनों। चॉकलेट्स का है, हेलो, वेयर द चॉकलेट्स? वो यू आस्क अनिरुद्ध सर, धोखा। चलो, गुड, वेल प्लेड, थैंक यू किड्स। अनिरुद्ध और रोशन, वेलकम टू शार्क टैंक सीजन 2। बहुत अच्छा लगा खेल के। आप लोगों ने कुछ पढ़ाई वढ़ाई करी है या खेल कूद में टाइम लगा? सर, हम दोनों इंजीनियर है। ओ बाह, मतलब पढ़ाई वढ़ाई नहीं की। इंजीनियरिंग कहाँ से की थी? इंजीनियरिंग सर मैंने पुणे यूनिवर्सिटी से की। और उसके बाद क्या किया था? सर उसके बाद 1 साल सोचा कि क्या करना है। और फिर उसके बाद? उसके बाद सर होम ट्यूशन शुरू किए। अच्छा। और फिर वापस सोसाइटी में ग्राउंड था, मैं आधा घंटा पहले जाता था वहाँ पे जस्ट खेलने के लिए, ऐसे सिखाने का कोई प्लान नहीं था। ठीक है। तो वहाँ पे बच्चों के साथ खेलने लग गया, तो एक बच्चा आया, फिर 2 बच्चे आए, फिर 3 बच्चे आए, फिर एक पेरेंट आया मेरे पास, बोले सर आप ये सिखा रहे हो ना, आप इसका कुछ
पैसे ले लो इसके सिखाओ करके। मैंने बोला अरे इसके पैसे भी मिलते हैं। तो फिर मैंने सिखाना शुरू किया। सही है। फिर 5 से 10 बच्चे हो गए, 50 बच्चे हो गए और फिर मुझे लगा कि मेरे अकेले का काम नहीं, फिर मैंने टीम बनाई। अच्छा। पहले मेरे पास खुद के पास जॉब नहीं थी, आज मैं 85 लोगों को जॉब दिया है सर। जब वड़ा पाव खाते थे तब बिजनेस शुरू किया था सर, आज हम लोग मालदीव्स में बैठ जाते हैं सर। Wow. बहुत अच्छे भाई, दिल से सलाम आपको। गुड जॉब। और रोशन आपने क्या किया? मैंने भी इंजीनियरिंग की है सर, यवतमाल से। हाँ। और उसके बाद मैं भी 1 साल घर पे ही था। अच्छा, ये क्या कॉमन ट्रेट है क्या कुछ? नहीं नहीं, मैं जॉब ढूंढ रहा था। इंडिया में लड़का पहले इंजीनियरिंग करता है, बाद में डिसाइड करता है कि करना क्या है। बात सही, बात बिल्कुल सही। आप इसे कैसे मिले? ये मेरा फर्स्ट कजन है। ओह नाइस। ओके। मैंने वही सोचा कि मेरे पैशन को मैं मेरे बिजनेस और मेरे करियर में कन्वर्ट करता हूँ। और हमारा मेन है प्रो लीग्स, जैसे नमिता मैम ने बताया, वो टीम ओनर थे एक इसके। आप थोड़ा ये प्रो लीग समझाएंगे कि ये चलता क्या है, ये क्या? सर, प्रो लीग हमारा न्यू कंसेप्ट है बच्चों को अपॉर्चुनिटी देने के लिए। जैसे IPL टाइप का फॉर्मेट है, लेकिन वो उधर होता है, जो लोकल लेवल पे गलियों पे बच्चे खेलते हैं उनका क्या? तो हमने उन्हें एक प्लेटफॉर्म दिया, बच्चे को टूर्नामेंट खेलने मिल रहा है, वो लाइव टेलीकास्ट होते हैं मैचेस। और इसको हमको स्टार स्पोर्ट्स के लेवल पे लेके जाना है, जहाँ पे आज बड़े लोगों के मैचेस चल रहे हैं। सिंपल वर्ड्स में प्रो लीग इंटर टीम कंपटीशन हो। इंटर टीम कंपटीशन है लोकल लेवल पे। ठीक है। तो इनका एक IPL टाइप फॉर्मेट था पुणे में, एंड वहाँ अलग अलग टीम्स थे और टीम के ओनर्स थे। मी एंड माई हस्बैंड, वी वर वन ऑफ द टीम ओनर्स। I must say that my experience was very positive. Wow. इसमें luckily नमिता मैम के बच्चे भी खेल रहे थे। Yeah, of course. टीम कितने में खरीदी? वो मैं नहीं बताऊंगी। प्रो लीग के चक्कर में बच्चे ज्यादा मेहनत करते हैं। तभी 3 बच्चों में से एक बच्ची छोटी नेशनल है और दूसरी स्टेट है। Wow. अभी आपने कितने स्टेट लेवल और नेशनल लेवल प्लेयर्स? सर, हमारे एकेडमी में जितने भी बच्चे खेल रहे उसमें से 5-10% ऑलरेडी उस लेवल तक पहुंच चुके हैं। 5-10%? Yes. बहुत ज्यादा है। कौन सा कोई पर्टिकुलर स्पोर्ट होगा ना जहाँ पे आप एक्सेल? सर, मेनली बास्केटबॉल एंड टेनिस। तो बास्केटबॉल अभी बड़ा है इंडिया में? नहीं है। सर, वो 5th लार्जेस्ट गेम है अभी भी इंडिया का, लेकिन उसको अभी खो खो की भी लीग आ रही है, लेकिन बास्केटबॉल पे कोई ध्यान नहीं दे रहा है। तो आपने क्यों सोचा कि ये बड़ा बिजनेस बनेगा? क्योंकि इसमें अभी तक किसी ने बड़े लेवल पे नहीं खेला है। हमारे पास 2500 बच्चे पुणे में और हमारी एवरेज फीस है 1000 रुपए, तो हमारा 25 लाख का टर्नओवर महीने का बनता है। ऑफिस का कोई एक्सपेंस होता है वो तो 25 लाख में से श्योर शॉट प्रॉफिट आ जाता है। प्रो लीग में कितना कमाते हो? हमने प्रो लीग में सर 1.5 से 2 लाख रुपए कमाए पहली वाली में। रोशन, अनिरुद्ध, एक बात पूछूं आपसे। Yes, सबसे बड़ा प्रॉब्लम यहाँ पर आ रहा है कि आप इसको स्केल कैसे करोगे? मुझे मेरे जैसे ABC हेड्स रेडी करने हर एक सेंटर के लिए, और बड़े बड़े BPED कॉलेज और जो फिजिकल एजुकेशन कॉलेज है वहाँ से टैलेंट अक्वायर करना है, और उनको सिटी में अलग अलग सिटीज में ऑफिस में उनको ये करना है, और एक टीम बनानी है सोसाइटी एक्विजिशन के लिए। ये हमारा प्लान है।